हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ आलू और सेम की सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो पूरा देखिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है सेम और आलू। सबसे पहले हम सेम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। इसके हम किनारे वाले रेशे को निकाल देंगे और इसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। सारी सेम को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब आते हैं गैस चूल्हे की तरफ। गैस चूल्हे पर मैंने रखा है भगोना। सबसे पहले हम आलू और सेम को उबालेंगे। आलू और सेम हमारे उबल चुके हैं। अब हम ठंडा होने के बाद आलू को छील लेंगे। आलू को छीलकर मैंने काट लिया है। अब हम सब्जी बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हम चलते हैं गैस चूल्हे की तरफ। गैस चूल्हे पर मैंने रखी है कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल। तेल डालकर तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 7 से 8 कलियां लहसुन के बारीक टुकड़ों में काट कर। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। लहसुन हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम इसी में डालेंगे 6 से 7 बड़ी को डालकर हम अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बड़ी और लहसुन दोनों अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसी में डालेंगे उबली हुई आलू और सेम। आलू और सेम को डालकर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। आलू और सेम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसी में डालेंगे 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसको डालकर अच्छे से चलाएंगे। देर बाद इसी में डालेंगे 2 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसी में हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। अब हम टमाटर को सब्जी से ढक देंगे। सब्जी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। धनिया डालकर इसको अच्छे से चलाएंगे और गैस को बंद कर देंगे।
और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो दोस्तों, आलू सेम की टेस्टी सब्जी हमारी बनकर तैयार है। यकीन मानिए, खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब है। तो आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।